हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं 36 के वी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के लाइन ड्राइंग के बारे में। ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का नेम प्लेट है 36 के वी का। इसका जो पीक वोल्टेज रहता है वो 36 के वी रहता है और रेटेड वोल्टेज जो रहता है वो 33, जो ऑपरेटिंग वोल्टेज 33 के वी रहता है और इसका रेटेड करेंट 2000 एम्पियर रहता है। और इसका जो पीक करेंट है वो, मतलब शॉर्ट सर्किट कितना करंट ये ब्रेक कर सकता है, जो 31.5 किलो एम्पियर है। और शॉर्ट सर्किट मेकिंग करंट जो है, मतलब कितना करंट ये मेक कर सकता है, ये 82 किलो एम्पियर है। अब इसका ड्राइंग के बारे में हम देखते हैं, इसका ड्राइंग में क्या किया। सबसे पहले इसमें तीन सर्किट ड्राइंग है, एक एसी सर्किट ड्राइंग, दूसरा क्लोजिंग सर्किट, तीसरा ट्रिपिंग सर्किट। तो आज हम देखते हैं एसी सर्किट ड्राइंग। एसी सर्किट में सबसे पहले मोटर एमसीबी, एसी सप्लाई जैसे ही आता है एमसीबी से, ये मोटर में स्प्रिंग चार्ज करने के लिए जाता है, जिसमें लिमिट स्विच दिया हुआ है, इसी लिमिट स्विच के द्वारा जाता है। और इस एसी सर्किट के साथ साथ यहाँ पे थर्मोस्टेट और पावर सॉकेट दिया हुआ रहता है, इल्यूमिनेशन लैंप दिया हुआ रहता है। इल्यूमिनेशन लैंप के साथ डोर स्विच रहता है, ताकि जैसे ही डोर ओपन करें तो डोर स्विच क्लोज हो जाए, ये एनसी बन जाए, और एनसी बनेगा तो इल्यूमिनेशन लैंप मेरा जलने लगेगा। इसके साथ एमसीबी का यहाँ पे हीटर दिया हुआ है, जब टेम्परेचर डाउन हो तो एमसीबी का भी हम ऑन करके और ये थर्मोस्टेट ऑन हो सकता है। तो यहाँ पे मेनली रूप से ये समझना है कि मोटर का जो लिमिट स्विच है वो किस प्रकार ऑपरेट होता है। जब डिस्चार्ज अवस्था में रहे तो ये जो कॉन्टैक्ट है वो क्लोज रहेगा, जब चार्ज अवस्था में रहे तो ओपन रहेगा, क्योंकि डिस्चार्ज अवस्था में ही हमें स्प्रिंग चार्ज करना रहता है। तो इस प्रकार प्रोविज़न इसमें दिया हुआ रहता है। आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे लोकल में किस प्रकार क्लोज ट्रिप किया जाता है, रिमोट में किस प्रकार क्लोज ट्रिप किया जाता है, इसके अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।